हाय एवरीवन, दिस इज़ वरानिका। आज की हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कैमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अराउंड 10,000 कैमल्स को अभी सोचा जा रहा है कि मार दिया जाएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये क्यों मारा जाएगा इन कैमल्स को, जो कि फेरल कैमल्स हैं, और अभी आपको ऑस्ट्रेलिया के हालात भी पता है कि किस तरह की वाइल्ड फायर्स वहाँ पे चल रही हैं। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं क्वेरीज़ के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने 5 दिन का कैंपेन जो है वो शुरू करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो कैमल्स हैं उनको मारा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कैमल्स पे इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और इस टाइम जो हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो पॉपुलेशन को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो एनिमल्स को सपोर्ट कैसे करेंगे। ऑलरेडी आपको पता कि वाइल्ड लाइफ वहां पे कितनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो कैमल्स हैं, यूजुअली आपको पता है कि कैमल्स जो हैं वो बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन एक बार तो उनको पानी पीने की बहुत जरूरत है। और ये मेन पॉपुलेशन वाले लैंड में आके पानी पी रहे हैं, और लोकल पॉपुलेशन को इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको खुद के लिए पानी तो मिल नहीं रहा, क्योंकि वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भेजे जाएंगे, और इन जो कैमल्स हैं इनको शूट कर दिया जाएगा। 5 दिन लगातार इस तरह का ये जो कैंपेन है वो चलाया जाएगा। देखिए, अगर हम कैमल्स की बात करें तो कैमल्स को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1890 से 1920 के बीच में। ये जो समय था, यहाँ पे इस टाइम कैमल्स की ज़रूरत थी, और अरेबियन एरिया से, जितना आपका ये मिडल ईस्ट है, उसके बाद इंडिया हो गया, यहाँ से बहुत सारे जो कैमल्स हैं वहाँ पे ये लोग लेके गए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ये मदद करते थे, क्योंकि उस टाइम इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी, और जो आपका सामान था, हैवी लोड था, वो कैमल्स के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो उस टाइम कैमल इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बूस्ट हुई। लेकिन 1920 के बाद क्या हुआ कि आपके इंटरनल कंबस्टन इंजन वो इंट्रोड्यूस हो गया, लोग गाड़ियाँ यूज़ करने लगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक तरह की रेवोल्यूशन आ गई, और कैमल इंडस्ट्री टोटली ठप पड़ गई। अब वहाँ पे जो कैमलर्स थे, यानी जो लोग कैमल्स को पालते थे, या एबोरिजिनल जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे, उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, ये चीज़ मैं कंटिन्यू करती हूँ, फेरल। ये जो कैमल्स हैं ये फेरल कैमल्स हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी फेरल डॉग्स पे, लद्दाख के, कि उन्होंने किस तरह से आतंक मचा के रखा है। तो इस तरह से ये फेरल कैमल्स हैं। अब फेरल्स और वाइल्ड एनिमल्स में क्या फ़र्क होता है, कोई अगर वाइल्ड है तो मतलब वो शुरू से ही जंगल में पैदा हुआ, जंगल में रह रहा है, लेकिन फेरल कैमल्स का क्या मतलब है कि कभी एक ज़माने में ये पेट हुआ करते थे, लेकिन अब उनको बाद में छोड़ दिया गया। पहले इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, घर में पाला जाता था, जिस तरह से जो कैमलर्स थे वो क्या करते थे कि डोमेस्टिकेट करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल इंडस्ट्री को यूज़ किया जाता था, कैमल्स को यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर इन्होंने, जब आपके इंटरनल कंबस्टन इंजन इंट्रोड्यूस हो गए, तो कैमल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो लोगों को उल्टा बर्डन लगने लग गए कैमल्स की, इनको फीड करो, इनको संभाल के रखो, तो इन्होंने उनको वाइल्ड में छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है कैमल्स की, और ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, और लोकल पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पे यूजुअली हमको क्यों क्या देखने को मिलता है, एनिमल या फिर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, राइट? तो इसलिए अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो इसके चलते इन एनिमल्स को शूट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन एक पॉपुलेशन ने इससे बचने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एरिया के लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है, फेसबुक पर भी पोस्ट किया है, कि जो लार्ज ग्रुप्स हैं कैमल्स के और बाकी जो फेरल एनिमल्स हैं, वो कम्युनिटीज़ के आगे पीछे जो आ जाते हैं, जहाँ पे कम्युनिटीज़ लोग बसे हुए हैं, और प्रेशर यहाँ पे एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ पे आ जाता है, क्योंकि उनको खुद के लिए भी रिसोर्सेज नहीं मिलते, और यहाँ पे स्पेसिफिकली पानी की बात की जा रही है कि खुद के लिए भी पानी नहीं मिलता, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस चल रही हैं, और ये जो एक ग्रुप्स हैं कैमल्स के, ये इन कम्युनिटी और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इमीडिएटली कैमल कंट्रोल की जो ज़रूरत है देश को, ऑस्ट्रेलिया को।
अब स्पेशली देखिए इनको कहाँ पे, यहाँ पे इनको शूट करने की बात की जा रही है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में. साउथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है पिछले कुछ समय से, और यहाँ पे माना जाता है एक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा कैमल्स की पॉपुलेशन वहाँ पे है, और जो कि बहुत ही रैपिडली ग्रो भी हो रही है. अब साउथ ऑस्ट्रेलिया इतना, यहाँ पे भी आग लगी है, जो बुश फायर्स आपकी चल रही हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा बैडली हिट नहीं है साउथ ऑस्ट्रेलिया जितना आपका साउथ वेल्स है. लेकिन ये जो स्टेट है यहाँ पे सूखे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है स्मोक की वजह से, और जितनी आपकी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो बाकी एरिया से निकल के जहाँ पे उनको थोड़ा सेफ लग रहा है वो वहाँ पे मूव कर रहे हैं, और कैमल्स के साथ में भी सेम है. अब लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरह के जो क्रिएचर्स हैं, या कैमल्स की ही यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो ये जहाँ पे लोगों के घर हैं, जहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आ रहे हैं और लोगों के जो फेंसेस हैं, जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो एक किस्म का कैमल्स ने आतंक भी वहाँ पे मचा के रखा हुआ है. इनफैक्ट जो लोगों के घर में एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर से जो पानी निकलता है कैमल्स वहाँ आके एयर कंडीशनर्स को भी तोड़ रहे हैं, पानी उनको लग रहा है कि वहाँ से पानी आ रहा है और वो पानी पीना चाहते हैं. देखिए ये जो एरिया है इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है अनानगू. अब इसको कैसे इतना लंबा नाम प्रोनाउंस करना है, APY, राइट तो इन शॉर्ट में हम इसको APY बोलेंगे. अब ये जो एरिया है यहाँ पे APY वाला, ये बहुत ही ऑस्ट्रेलिया का एक रिमोट एरिया में से आता है, राइट और स्पार्सली पॉपुलेटेड भी है. आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ 2500 लोग यहाँ पे रहते हैं, या स्पेसिफिकली बोलें तो 2300 के आसपास जो लोग हैं वो इस रीजन में रहते हैं. और जिस तरह की US की एक स्टेट है केंटुकी, ओके ऑलमोस्ट उस साइज़ का ये है. और यहाँ पे इस एरिया में 1 मिलियन कैमल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के वो पाए जाते हैं. ये सिर्फ केंटुकी की बात नहीं हो रही, 1 मिलियन कैमल्स तो आपके पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन जिस एरिया में इन्होंने आतंक जो मचा के रखा है, ये जो आपका APY वाला रीजन है, ये एक बहुत ही रिमोट एरिया है. अब देखिए एक रीज़न इनको मारने का फेरल कैमल्स को दिया जा रहा है कि डेफ़िनेटली इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का आतंक जो है वो मचा के रखा है. रिसोर्सेज के कंपटीशन में अब ये पॉपुलेशन आ रही है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स को वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए भी मारा जा रहा है. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गई है इनकी. उसके बाद एक और रीज़न दिया जाता है कि जो ये एनिमल्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंसान हम लोग भी क्या चीज़ हैं, जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमन बींग की वजह से हो रहा है. आज ऑस्ट्रेलिया में अगर टेम्परेचर इतना शूट कर रहा है, अभी लास्ट समर्स में आपने देखा यूके में भी कितना ज़्यादा टेम्परेचर शूट किया, राइट लेकिन हम ह्यूमन बींग्स को इसका जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे, और यहाँ पे हम कैमल्स के लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये जो एनिमल्स है इसको मारना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. बट चलिए देखते हैं कि कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मिथेन है ये एमिट करता है, इसे एमिशंस एनिमल्स से रहती हैं. अब एनिमल्स एमिट कैसे करते हैं, जब खाना खाते हैं इधर या तो ये फार्ट कर रहे हैं या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस से, कैसे भी यहाँ पे जो मिथेन है, ब्रीदिंग प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे लेकिन बर्प्स जैसे एनिमल्स लेते हैं या फार्ट होती है तो उससे बहुत ज़्यादा मिथेन जो है ये जानवर जो है कैमल ये एमिट करता है, जो कि 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी एक साल में एमिट होती है उतनी इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे इतनी मिथेन एमिट कर रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न भी है. उसके बाद एक और रीज़न ये आ गया. उसके बाद इन्होंने कहा जो इनकी पॉपुलेशन है ये हर 9 साल में, एवरी 9 ईयर्स ये डबल होती जा रही है, तो पेस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है. और देखिए जो टिम मूरे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कार्बन फार्मिंग स्पेशलिस्ट के, उन्होंने क्या कहा कि 1 मिलियन फेरल कैमल्स जितना ये जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं उनका इफ़ेक्ट कितना है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में निकलती है. तो दैट मींस इससे ज़्यादा आप 4 लाख गाड़ियाँ रोड पे ला सकते हो अगर आप ये एनिमल्स यहाँ पे ना हो. तो आप देख रहे हैं कि अब कैमल्स पे इल्ज़ाम लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से हो रही है. देखिए ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस तरह का स्टेप नहीं लेने जा रहा. 2013 में भी इन्होंने हज़ारों की तादाद में इस तरह से कैमल्स को शूट किया था, जिसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज भी किया गया था, और इस बार अगेन ये इस तरह का स्टेप जो है वो लेने वाले हैं. देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कभी रिपोर्ट नहीं किया जो एमिशन्स हैं फेरल एनिमल्स के, उनको पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया. तो ये आपका पूरा करंट अफेयर था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों करने वाला है, फेरल कैमल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और क्या क्या रीजंस हैं कि इनको शूट करने की बात की जा रही है. तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जानेंगे
ये जो फेरल कैमल्स हैं ये क्या है, ये स्पीशीज़ क्या है। देखिए जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं जो फेरल पॉपुलेशंस हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दो स्पीशीज़ मेनली जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन इन फेरल कैमल्स को ऑस्ट्रेलिया में इन्वेसिव स्पीशीज़ भी माना जाता है। इन्वेसिव स्पीशीज़ देखिए कौन सी स्पीशीज़ होती है, जब वो कहाँ पे कहीं पे किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो वो खुद की पॉपुलेशन उसकी बढ़ती जाती है और जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि इसको शूट करने की बात की जा रही है। और जो फेरल कैमल्स हैं ये 30 gallons ऑफ वाटर एक बार में पी सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये शूटिंग जो है ये ज़रूरत है, इस टाइम मजबूरी भी है ऑस्ट्रेलिया की, एक चाहे ये एक बहुत ही ब्रूटल स्टेप है, आपको देखने में बहुत ही क्रूएल स्टेप लगेगा, लेकिन यहाँ पे सेंस इसलिए बन रही है कि जब हज़ारों में इस तरह के एनिमल्स एक ग्रुप जो है वो आके कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं और एक वाटर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, वहाँ पे आगे पीछे के जो और भी लोकल एनिमल्स हैं या फिर बाकी के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसलिए भी एक रीज़न यहाँ पे है। तो इनकेस आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस पॉइंट को कि इतना बड़ा स्टेप ऑस्ट्रेलिया क्यों ले रहा है, तो अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स आपको अभी तक समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन फेरल कैमल की। जैसे मैंने बताया फेरल पॉपुलेशन यहाँ पे दो स्पीशीज हैं कैमल की, ड्रोमिडेरीज जो हैं मोस्टली यही पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट वहाँ पे सम जो आपके बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। और जैसे मैंने बताया इंडिया अफगानिस्तान से और आपके अरेबिक पेनिनसुला से इसको इम्पोर्ट किया गया था 19th century में ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, लेकिन बाद में जब आपके मोटर व्हीकल्स आ गए, आपका IC इंजन इंटरनल कंबस्शन इंजन इंट्रोड्यूस हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उन्होंने कैमल्स को रिप्लेस कर दिया और अब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और देखिए यहाँ पे ये जो स्पीशीज़ का नाम मैंने लिया ड्रोमेडेरीज जो हैं, ये आपके वन हम्प्ड कैमल्स इनको बोलते हैं जिनका एक ही हम्प होता है। तो ये जो रीज़न मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो कैमलीर्स थे उन्होंने छोड़ दिया इनको वाइल्ड में जब मोटर व्हीकल्स आपकी इंट्रोड्यूस हो गई, और इसका इम्पैक्ट जो है कैमल्स का वो इन्वायरमेंट पे भी है। इन्वायरमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टैप्स पंप्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, क्योंकि ये वाटर ढूंढने के लिए निकलते हैं और डेफिनेटली इनको कोई डोमेस्टिकेट नहीं कर रहा, तो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है कि ये जो फेरल आपके इतने सारे कैमल्स हैं इससे कैमल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है। अगर हम कैमल मिल्क के एडवांटेजेस देखें या टूरिज्म को प्रमोट करना चाहें तो हम इस एनिमल को मैनेज जो है वो कर सकते हैं। देखिए कैमल इंडस्ट्री में आपके कैमल मीट भी जो है वो भी इंट्रोड्यूस होता है, लोग बहुत सारे लोग कैमल मीट को भी खाते हैं, फेरल एनिमल्स का मीट जो है यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में बेचा जाता है, और इनफैक्ट इसको पेट फूड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है इनफैक्ट। उसके बाद जो कैमल मिल्क है ये भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे ये विटामिन सी का सोर्स है और आगे बाय प्रोडक्ट्स भी कैमल मिल्क से बहुत ज़्यादा बनते हैं। और देखिए टूरिज्म के लिए भी कैमल्स जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्स के लिए, राइड्स के लिए, इनफैक्ट वहाँ पे रेसिंग कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं, तो इस तरह के रेसिंग इवेंट्स में जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है, कैमल कप है आपका, और उसके बाद आपका एक उलुरु कैमल टूर्स जो है या फिर जो कप है, इस तरह के दो इवेंट्स बहुत मेजर इवेंट्स ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे सोचें तो कैमल इंडस्ट्री में इनको यूज़ किया जा सकता है, बट कहने की बात है 1 million पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि 9 साल में डबल होती है, अगर नेक्स्ट 9 सालों की बात करें तो ये 2 million हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी पॉपुलेशन को उससे प्रॉब्लम होगी। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप जो है थोड़ा सेंस, ऑल दो बहुत ही क्रूएल स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सेंस भी हमको थोड़ी सी दिखती है। तो अल्टीमेटली आप इससे समझते हैं यहाँ पे हम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं जो लोगों और वाइल्ड एनिमल्स के बाद हो जाता है, और ये एक मेन थ्रेट है जो सर्वाइवल है स्पीशीज़ का वो इससे खतरे में पड़ जाता है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है और ये एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है ह्यूमन लोकल पॉपुलेशन जो है उनके लिए। तो यहाँ पे अभी तक हमने कैमल की बात की, लेकिन बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के कि कैसे कैसे ये डैमेज, देखिए कैमल्स के केसेस में ये वाला रीज़न भी आ रहा है कि जो डैमेज ये क्रॉप्स को और फेंसेस को करते हैं, वाइल्ड लाइफ स्ट्रिंग अबाउट रेजिडेंशियल गार्बेज पे फीड करते हैं, लेकिन इनका मेन रीज़न कैमल का वाटर ही है।
उसके बाद अगर इस तरह के एनिमल्स की जो कि इन्वेसिव स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो व्हीकल या वाइल्ड लाइफ कोलिजन्स हो रहे हैं आपके, राइट right? और बर्ड्स के केस में खैर बर्ड कोलिजन्स एयरक्राफ्ट कोलिजन्स भी रहते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे व्हीकल वाइल्ड लाइफ कोलिजन्स बहुत देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है तो वहाँ पे कैमल कंट्रोल की ज़रूरत भी है। अब देखिए कैमल्स जिस तरह से लोगों की कम्युनिटी में आ रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स ब्लेम यहाँ पे उन पे डाल रहे हैं सारा, लेकिन जिस तरह की फायर्स ऑस्ट्रेलिया में लगी हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पे ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है, उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस हैं। अब इनका हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, तो ये भी एक रीज़न है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ या कैमल ह्यूमन जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि फॉरेस्ट कॉरिडोर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हम बोल रहे हैं कि हम बाकी वाइल्ड लाइफ को भी सेव करना चाहते हैं, बाकी वाइल्ड लाइफ तो ऑलरेडी आपने ऑस्ट्रेलिया में जो फायर्स हैं कितनी सारी 80% आपकी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे, 80% तो नहीं या जितना भी आपके आंकड़े बता रहे हैं रिपोर्ट्स में, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वे फॉरवर्ड में ह्यूमन बींग्स को क्लाइमेट चेंज की तरफ ही हमको स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए, बट ऑब्वियसली उसके बाद कोई ना कोई हमको यहाँ पे तरीका ऑस्ट्रेलिया को ढूंढना चाहिए कि किस तरह से एक अच्छे तरीके से कैमल की पॉपुलेशन जो है वो मैनेज हो सकती है, राइट right? क्योंकि कैमल्स को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना 19th century में शॉर्ट टर्म के लिए तो एक गेन था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक डिज़ास्टर प्रूफ हो रहा है। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, और PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा t.me veronica_o, राइट। थैंक यू।